दिन में हमारा मैदम रेवम बसर मैदम की परिवार में ऐतिहासिक है। जो आज हमारे बीच में मैदम ने अपने प्यार को बांटने के लिए आया है, ये किस कारण से आया है? यहाँ हमारे अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल देश में जो जारवम गामलिन नामक एक व्यक्ति जो अरुणाचल प्रदेश को विराजमान करता था, यानी कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, और इसी बीच में हमारे बीच में नहीं रहा, परंतु हर किसी को जारवम गामलिन सार के बारे में जो कोई जानता है वो अच्छी तरह जानता है। और भले गामलिन सार आज हमारे बीच में रहे या ना रहे, परंतु उनका अच्छा काम, एक अच्छा व्यक्ति संसार में जो जन्मा हुआ को कोई भूल नहीं सकता आसानी से। और इसलिए कि आज हमारे सिंकी पार्क में आप लोगों का बीच में जो जारवम सार का जो जन्म हुआ दिन को स्मरण करके यहाँ सेलिब्रेट कर रहा है। और अब मैडम थोड़ा कुछ बात को बताएगा आप लोगों को, लेकिन ये मैडम जो है जरूर अपने घर में हमेशा ये बर्थडे एनिवर्सरी को सार के लिए मनाते आया है, लेकिन कब तक घर में मनाते रहेगा? और घर में अच्छे अच्छे लोगों को बुलाकर खिला पिलाने का बजाय यहाँ तक के वे लोगों को, कुचला हुआ लोगों को, रोगियों को, टर्मिनल सिक लोगों को, उन लोगों का बीच में अपना प्यार को बांटना सही रहेगा। जैसे भूख लगने वालों को भोजन खिलाना सबसे बड़ा अच्छा रहता है, भूख नहीं लगने वाला को भोजन खिलाने के बजाय, और जिस व्यक्ति को प्यास लगने वालों को पानी पिलाने से वही अच्छा लगेगा। सर को गुजरा हुआ अभी ऑलरेडी 8 साल हो जाएगा, इस साल में 8 इयर्स हो जाएगा। तो उनके गुजरने के बाद भी हमने हमेशा डेथ एनिवर्सरी तो होता ही है फैमिली में, लेकिन उनका जन्मदिन को मैंने हमेशा मनाया है, क्योंकि उसका जैसा जो इंसान है वो मर गया बोल के उसका दुख को हमेशा उनका डेथ एनिवर्सरी में हम तो हमेशा उनका आलोंग में तो जाते ही है घर पर, लेकिन उनका जन्मदिन को हम लोग मनाते हुए कि उनका जैसा जो इंसान हमारे समाज में भी पैदा हुआ, जो हमेशा दुख तकलीफ और जो कष्ट में है उसको किसी ना किसी तरीका से वो मदद करे, उस तरह का उनका एक नेचर रहा है हमेशा। और उसको एज अ वाइफ हम हमेशा करीब से समझा है कि उनका अंदर में लोग देखने से तो उसको बड़ा हट्टा करता, कुछ डरता भी था दूर से, लेकिन एक्चुअली मन से अंदर से वो बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड था, और हर दुख वालों, हर कष्ट वालों को किस तरह से अपना तरफ से वो पावर में रहते हुए भी और नहीं रहते हुए भी कैसा वो अपने तरफ से कुछ कॉन्ट्रीब्यूट कर पाए, उसने हमेशा अपना जीवन उसी तरह से ही जिया है। तो वो चीज़ मैंने हमेशा देखा, और मुझे पता नहीं था कि यहाँ आपका ये लिविंग जो होम है डेस्टिट्यूट का, ये उन्होंने फाउंडेशन स्टोन यहाँ का स्थापना किया था बोल के उसको मुझे पता नहीं था। उनका जब सीएम बनने के बाद वो गया ज़रूर था इसको स्थापना करने के लिए, लेकिन उस समय नाबुम दीपक जी का ये लिविंग होम है करके मुझे आइडिया नहीं था। तो लास्ट ईयर जब मैंने यूट्यूब में कोविड समय में मैंने देखा कि इनका ब्रदर दीपक का मैंने पेप टॉक वगैरह देखा और उनका बातचीत सुना और किस तरह कैसा वो यहाँ काम कर रहा है डिस्ट्रीब्यूट के लिए, उसको देखते हुए मुझे बहुत मन किया कि इनको इस ब्रदर को मैं जैसे भी एक बार मुझे मिलना ही है करके। तो कल किसी तरह ढूंढते हुए यहाँ हम आ गया था, और मुझे यहाँ आके पता चला कि यही है जो फाउंडेशन स्टोन सर ने स्थापना किया था उनका जब सीएम पोस्ट रहने का समय में।
तो मुझे भी बहुत खुशी लगा कि यहीं पे हम आ पाया है और आज तो यहाँ आया है, लेकिन इससे पहले भी मैंने हमेशा उनका जन्मदिन या मेरे बच्चों का भी जन्मदिन हमेशा मैंने जो दुख में है, जो कष्ट में है, जो ज़रूरतमंद है, जो जिनको प्यार चाहिए, एक्सेप्टेंस चाहिए, इन लोगों के साथ मैंने हमेशा सेलिब्रेट किया है। जैसे कि यहाँ आने का पहले तो मुझे ये एरिया मुझे पता नहीं था, इससे पहले भी मैंने कई बार आपका ये नाहरलगन में मदर टेरेसा जो ऑर्फेनेज है वहाँ भी हम सेलिब्रेट करते हैं, करते थे पहले। उसके बाद में आपका दोनी पोलो हियरिंग इम्पैक्ट वहाँ पे भी हमने सेलिब्रेट किया है। तो 2 साल कोविड के चक्कर में हम कहीं नहीं जा पाया है, अपने आप घर पे ही हम लोगों ने जस्ट प्रार्थना वगैरह किया। तो मुझे इतना हमको खुद को भी यहाँ आके इन सब को यहाँ का इनमेट्स लोगों को मिला, वो किस तरह रहते हैं उनको देख करके मुझे कल दुख भी हुआ काफ़ी इन लोगों को देख के कि हमारे ही आजू बाजू में, हमारे ही पास में कितना कष्ट में सब कोई यहाँ परिवार से दूर, और कुछ तो परिवार चाहते हुए भी अपने पास नहीं रख सकता है, ऐसे लोगों को अपने बच्चों को यहाँ रखा हुआ है। और जिनको दीपक ब्रदर और उनका मिसेस इन लोग मिल के और यहाँ काफ़ी बिना सैलरीड का जो यहाँ पे स्टाफ है जो अपना वॉलंटरीली अपना काम दे रहे हैं, यहाँ अपना सर्विस दे रहे हैं, उन सब को मिल के और भी मुझे खुश भी हुआ कि हमको यहाँ आने का जो एक मौका मिला है। और ये सब एक अपना अपना समय में होता है, जैसे हम चाहते हुए भी नहीं आ पाए ऐसा भी सिचुएशन होता है, लेकिन किसी तरीका से मुझे एक जैसे आप लोग हम क्रिश्चियन में बोलते हैं कि गॉड कॉलिंग होता है, उस तरह से यहाँ मुझे आने का मौका मिला, ब्रदर से मिला, उनके मिसेज से मिला, यहाँ के पूरे यहाँ में जो अलग अलग प्रॉब्लम से जूझता हुआ इनमेट्स यहाँ बैठा है उन लोगों का कंडीशन, और मुझे पता चला है कि इवन गवर्नमेंट के तरफ से भी, खांडू जी के तरफ से कितना सारा हेल्प भी मिला है। तो आज तो बस ये एक मौका है जो हम थोड़ा सा केक खाएंगे और खाना पीना कुछ हम लोग साथ में खाएंगे करके आज ये एक मौका है। और पहले भी इस तरह हम लोग कहीं जगह पर मनाते ज़रूर थे, लेकिन ये दीपक जी का कहना है कि मीडिया में भी थोड़ा सा ये फोकस होना ज़रूरी है, क्यों, क्योंकि उससे लोगों को मोटिवेट भी होता है और कई लोग अपने आप एक वॉलंटरीली आके यहाँ का प्रॉब्लम को भी समझे कि गवर्नमेंट का तरफ से भी एक लेवल का हेल्प ज़रूर होता है, लेकिन डे टू डे एवरी डे का जो खाना पीना होता है उसको मैनेज करना एक बहुत ही बड़ा काम है, जिसको कहीं से हम जैसे आज आके कुछ खिला दिया, कल कोई परसों कोई इस तरह, या किसी ने वॉलंटरीली आके एक महीना का ही राशन दे दिया, इस तरह से ही यहाँ का प्यार से ही चलता है, किसी का किसी ना किसी का हेल्प के द्वारा। तो आज हम लोग यहाँ पे इसी के लिए इकट्ठा हुआ है, तो इस तरह से बाकी लोग भी जो हम जैसा, हम तो छोटा मोटा एक गवर्नमेंट सर्विस करने वाला है, इसी तरीका से हर कोई जिनको जो ब्लेस्ड है, खाने को मिल रहा है, जो रहने को घर है, जिनका परिवार है, जिनको प्यार मिल रहा है, वो भी अगर अपना थोड़ा सा वक्त भी निकाल के दिन में एक बार, महीने में एक बार या साल में एक बार कभी यहाँ आके अपना थोड़ा सा भी 1-2% का भी कुछ कंट्रीब्यूशन दे दे तो बहुत बड़ा हेल्प होगा इस लिविंग होम के लिए, दीपक जी के लिए, उनका परिवार के लिए।